कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने हैं। इस बड़ी तनातनी के बीच महाराष्ट्र सरकार अब कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के उस पुराने इंटरव्यू को आधार बनाकर करने वाली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स लेती है। अध्ययन ने ये आरोप भी लगाया था कि कंगना ने उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। वही हाल ही में अध्ययन सुमन ने एक वीडियो शेयर किया है और हाथ जोड़कर यह अपील की है कि कंगना के इस मसले पर उन्हें ना घसीटा जाए। कंगना रनौत के इस मामले पर अपना नाम आता देख अध्ययन सुमन ने एक वीडियो जारी कर अपील की है। सुनिए जरा ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था, और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ, और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है, और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइज हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू।